जी हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार। तो फिर मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही बड़ी खबर, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं। जी हाँ, ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि उत्तराखंड बोर्ड ने ये प्रस्ताव रखा है सरकार के सामने कि कंटेनमेंट जोन में जिन्होंने परीक्षा नहीं दी थी उनका डेटा का कलेक्शन हो गया है। ऑलमोस्ट 3600 बच्चे हैं जिन्होंने कंटेनमेंट जोन में परीक्षा नहीं दी थी, तो उनको पास कर दिया जाएगा। तो भाई साहब, जिन्होंने परीक्षा दी थी उन्हों क्या वो स्पाइडरमैन थे या फिर मैन ऑफ थॉर थे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या थे। तो फ्रेंड्स, ये तो वही बात हो गई कि भैया हमने जो किया हमने तो कर दिया, बट आप जिनने जो किया वो झेलो। तो जी हाँ, कोविड को देखते हुए ये कहा गया था कि जो कंटेनमेंट जोन की परीक्षाएं थी वो बाद में सरकार कराएगी, लेकिन सरकार इस चीज़ से पीछे हट रही है। अब उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि नीट की और जेई की परीक्षा ऑलरेडी स्थगित हो गई है। तो जब इतनी बड़ी परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं तो आप एक छोटे से बोर्ड की परीक्षा कैसे ले सकते हो, वो भी केवल 3600 लड़कों की। तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, अगर कुछ हो जाएगा तो ऊपर से बेइज्जती हो जाएगी। तो इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि सभी बच्चों को जो कंटेनमेंट जोन में आएंगे उनका डेटा कलेक्ट करके टोटल कितने नंबर हैं, फिलहाल तो वो 3600 बता रहे हैं एज पर डेटा रिकॉर्ड, पता नहीं और कितने होंगे तो सरकार जानती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने एग्ज़ाम दिया या नहीं दिया, या आप किस रीज़न से आते हो। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं कि मालूम हो कि कोविड की वजह से आपको 22 और 25 से आपके एग्ज़ाम हुए थे, इस बीच परिषद की यह बड़ी उपलब्धि रही है। वाह 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 वाह, तालियां भाई, तालियां यार, बड़ी उपलब्धि रही है। वाह वाह वाह, परिषद की यह बड़ी उपलब्धि रही है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के छात्र बोर्ड की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, अब सरकार बार बार परीक्षा कराने के बजाय वाह वाह कि इन छात्रों को औसत अंक देकर पास करना चाहते हैं। अरे भाई साहब, अगर यही पहले कर देते तो अब तक तो रिजल्ट भी आ जाता। क्यों उन बच्चों के भविष्य के साथ, आपने स्वास्थ्य के साथ, हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जो कि एग्ज़ाम देने गए थे। मैंने तो यहाँ तक न्यूज़ में सुनी थी कि लोग 8-8, 10-10 हज़ार रुपये किराया दे के एग्ज़ाम देने आए थे, तो उनकी क्या गलती थी, उनके आप देंगे किराया वापस है? तो ये निर्णय लिया गया है कि 13 विभिन्न विषयों की परीक्षाओं में नहीं बैठ पाए 3500 ऑलमोस्ट छात्रों को पास कर दिया जाएगा। ठीक है, सचिव नीता तिवारी ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ये कार्रवाई की जा रही है। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उत्तराखंड बोर्ड का जो ये डिसीज़न है वो सही है या गलत, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे अधिक जानकारी के लिए इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन है मैं है। बाकी इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो और लेके जल्दी आ रहा हूँ आपको, तब तक का इंतज़ार कीजिएगा। और यार प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया तो आप चेक कर लीजिए कि आपने नोटिफिकेशन की बेल बजाई है कि नहीं बजाई है, क्योंकि 45% लोगों ने अभी तक नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया। थैंक यू।